गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग का पर्यावरण भूगोल में दूसरा है, मतलब इसका पार्ट वन पहले लोड कर चुके हैं और ये उसका पार्ट टू है। तो शुरू करते हैं, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पोषक स्तर से शुरू करते हैं, यानी ट्रॉफिक लेवल से। मतलब क्या होगा, सामान्य रूप से जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पदानुक्रम यानी हायरार्की में संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि किधर से किधर चला जाए, नहीं, उसका एक सीओ डायरेक्ट वो अपने नियम का ही पालन करेगा। और यहाँ देखिए पोषक स्तर के चार स्तर पर पोषण होता है। तो पहला पोषण स्तर, इसमें आहार श्रृंखला में पोषण स्तर स्वपोषित प्राथमिक उत्पाद हरे पौधों का इसमें होता है। मतलब आहार श्रृंखला में पोषण स्तर एक में क्या होगा, स्वपोषित यानी ऑटोट्रोप प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और मतलब ये हरे पौधों का इसमें होगा नाम, यानी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। इस स्तर पर हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा आहार निर्मित करते हैं। हरे पीले बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल तथा फाइलम प्लैंकटन भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो केवल हरे पौधे ना, और भी कुछ, जैसे इसमें हरे पीले बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल तथा फाइलम प्लैंकटन भी इसमें आते हैं, यानी वैसे जीव जो स्वपोषित अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पोषण स्तर दो, जो जंतु अपना आहार स्वयं निर्मित नहीं करते हैं बल्कि अपने आहार के लिए पोषण स्तर एक के हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे पोषण स्तर दो के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर है भी कहा गया है। इसके अंतर्गत प्रायः शाक भक्षी एवं चरने वाले जंतु जैसे भेड़ बकरी गाय खरगोश आदि आते हैं। और पोषण स्तर तीन में क्या होगा, जो जंतु अपने आहार के लिए पोषण स्तर दो के शाक भक्षी या चरने वाले जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें पोषण स्तर तीन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। ये प्रायः कार्निवोरस यानी मांसाहारी होते हैं, और इससे पहले शाकाहारी थे पोषण स्तर दो वाले, यानी उसको कहा जाता है हर्बीवोरस, और तथा द्वितीय उपभोक्ता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता था शाक भक्षी, और मांस भक्षी द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर है। और पोषण स्तर चार, इस पोषण स्तर के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो उपरोक्त तीन पोषण स्तरों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार ग्रहण करते हैं। मनुष्य इस पोषण स्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। इस सदस्य स्तर के जंतुओं को सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस कहते हैं, मतलब ये कुछ भी खा जाएंगे। अब आगे देखिए हम लोग इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, क्या अंतर होगा। वियोजक सूक्ष्म जीव भी सर्वाहारी होते हैं, यानी डिकम्पोजर भी सर्वाहारी होंगे, क्योंकि वे पौधों तथा सभी प्रकार के जंतुओं के विविध शरीरों का वियोजन करते हैं तथा इसी समय अपना आहार भी ग्रहण करते हैं। इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। ये खाद्य श्रृंखला के अंग नहीं होते हैं लेकिन इनके द्वारा अपघटन का कार्य प्रत्येक पोषण स्तर पर होता रहता है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए पोषण स्तर का, इसमें सूर क्या है, यही पोषण स्तर का शुरुआत किसे होगा, तो सूर से होगा। सूर से स्वपोषित जीव खाना बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, क्लियर कर लिए अवशोषित, लेकिन इनका भी तो डायरेक्ट वियोजन हो जाएगा, तो यहाँ से भी इनका अपघटन हो जाएगा। कुछ जो बचेंगे वो आगे बढ़ेंगे, तो इनको अब शाकाहारी खा जाएगा यानी घास फूस खाने वाले जीव। अब घास फूस खाने वाले जीव हैं, और मानव देखिए मानव इसमें सबसे टॉपर है, मानव स्वपोषित जीव को भी खा जाएगा, मानव शाकाहारी जीव को भी खा गया, मानव मांसाहारी जीव को भी खा गया। अभी शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा तो वह लेवल तीन पर है, और लेवल चार पर मानव है, और सब किस डायरेक्ट कंपोजर, सब में डिकम्पोजर लगा हुआ है, यानी सब डायरेक्ट भी इनका वियोजन हो जाएगा। और जब वियोजन हो जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी में पोषक तत्व के रूप में मिल जाएंगे, साथ में मृदा जल मिलेगा, और फिर से ये स्वपोषित जीव हरे भरे हो जाएंगे, फिर ऊपर उपज जाएंगे।
10% का नियम। लिंडमान 1942 में, इनका जन्म हुआ था, नहीं है, ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरण हेतु 10% नियम यानी द 10% लॉ प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार एक निचले पोषण स्तर का प्राणी जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उसका केवल 10% ही उच्च स्तर तक स्थानांतरित कर पाता है। यानी अगर 100% ऊर्जा सूर्य से आया, क्लियर है, तो कौन अवशोषण कर लिया, घास कर लिया। अब घास को कोई खाएगा, मान लेते हैं घास को बकरी खा गया, तब उसके पास यह ऊर्जा मात्र 10 किलो हो जाएगी। फिर इस बकरी को कोई अगर शेर खाएगा तो उसके पास यह ऊर्जा मात्र 1 kg के रूप में ही आगे बढ़ेगी। यही कि हर जगह पर 10% ही आगे बढ़ेगा और बाकी ऊर्जा स्थानांतरण के समय नष्ट हो जाती है या फिर वह श्वसन द्वारा नष्ट हो जाती है। इसे ही 10% नियम कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला वास्तव में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा गमन का श्रृंखलाबद्ध क्रम है। इसमें क्या है, निम्न पोषण स्तर से मतलब लेवल 1 से लेवल 4 तक जाएगा यह। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण या गमन का श्रृंखलाबद्ध क्रम होती है। यह सरल भी हो सकती है लेकिन अधिकांश आहार श्रृंखला जटिल होती है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ उत्पादक उपभोक्ता अपघटक में क्रम से प्रवेश करते हैं और इनमें होते हुए चक्र में घूमते रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे सबसे नीचे कौन होगा, उत्पादक, फिर उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खा जाएगा यानी बकरी, इस बकरी को द्वितीय उपभोक्ता खा जाएगा या टिड्डा है, टिड्डा को मेढक खा गया, और इस तृतीय उपभोक्ता को कौन खा जाएगा, ये बकरी है, मान लेते हैं बहुत सारे छोटे मोटे जीव हैं, इसको तृतीय उपभोक्ता खा गया, तो बकरी को मान लेते हैं कि भेड़िया खा गया। अब इस तृतीय उपभोक्ता को उच्च मांसाहारी जैसे कि शेर, बाघ, बाज, बाज से भी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मानव यहीं पर आता है कि मान जो उच्च मांसाहारी वैसा जीव है जिसको कोई ना खाता हो, यह अपने पर टॉप पर रहता है। आहार श्रृंखला के प्रकार, जैसे देखिए यहाँ पर आहार श्रृंखला 2 प्रकार का, एक चराई आहार श्रृंखला यानी मैदान में, यह आहार श्रृंखला प्राथमिक उत्पादक से हरे पौधे यानी हरे पौधे से आरंभ होगा और शाक भक्षी होते हुए मांसाहारी तक जाती है। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी होंगे, जैसे इसमें घास, घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को पक्षी खा गया, पक्षी को बाज खा गया, और भी कुछ इसमें हो सकता है, जैसे घास, घास को टिड्डा, टिड्डा को कौन खा गया, मेढक, मेढक को सांप खा गया, और अपरद आहार श्रृंखला यानी चराई आहार श्रृंखला मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होती है, जहाँ चराई तथा मृदा में स्थित अपरद भक्षी यानी अपघटक की बात हो रही है, जीवों से होकर उस जीव तक जाती है जो अपरद भक्षी जीवों का भक्षण यानी ईटिंग करते खा जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ये आहार श्रृंखला है, तो आहार श्रृंखला में क्या होगा, सबसे पहले एक प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो एकमात्र कौन, यही पेड़ है बस, इसको या तो खरगोश खाएगा, बकरी खाएगा, चूहा खाएगा या टिड्डा खाएगा। अगर खरगोश खाएगा तो खरगोश को भेड़िया खा गया, क्लियर, भेड़िया के पेट में क्या रहता है, तो जोंक रहता है, जोंक भी तो उसको थोड़ा सा खा रहा है, चाहे इस भेड़िया को शेर खा जाएगा, फिर इस पेड़ को बकरी खाई तो बकरी को शेर खा गया, शेर को छोटे मोटे किल्ली यानी कि पैरासाइट उसके शरीर पर रहते हैं वो भी काट लेंगे उसको। आगे चूहा है, चूहा को सांप खा जाएगा, सांप को बाज खा जाएगी। इसे टिड्डा, टिड्डा को चिड़िया खा गई, चिड़िया को बाज खा जाएगी। और मृत्यु के बाद अवघटन अवघटक जीवाणु, सबका जब मृत्यु होगा तो क्या होगा, सबके सब नीचे आएंगे और इनका अवघटक हो जाएगा और ये आहार खाद के रूप में फिर से ये पौधे के नीचे कार्बनिक खाद के रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। खाद्य जाल, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आहार पोषण संबंध अत्यधिक जटिल होते हैं क्योंकि आहार ऊर्जा के स्थानांतरण एवं गमन की प्रक्रिया अनेक परस्पर संबंधित यानी इंटरकनेक्टेड एवं परस्पर गुथी हुई इंटरलॉकिंग आहार श्रृंखलाओं से होकर संपादित होती है।
इसे खाद्य जाल यानी फूड वेब की संज्ञा दी जाती है। यह स्थिति उस समय संभव होती है जब अनेक प्रजातियों के जंतु एक ही प्रकार के जीवों या पादपों का भक्षण करते हैं, या एक ही प्रकार के सदस्य अनेक प्रकार के जीवों या पादपों का भक्षण करते हैं। तब होगा जैसे यहाँ पर देखिए, एक खाद्य जाल है, इसमें क्या होगा, ये बीज है या पत्तियाँ हैं या ये घास का मैदान, सिंपल घास, घास को चूहा भी खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा टिड्डा या बीज को भी खा सकता है, घास को भी खाएगा, टिड्डा पत्ती को भी खाएगा, इस टिड्डा को गौरैया भी खा सकता है, टिड्डा को शिकारी यानी कीड़े मकोड़े भी खा जाएंगे। अब शिकारी, शिकारी से क्या होगा, शिकारी में उल्लू आएगा, उल्लू क्या करेगा, उल्लू है, उल्लू ही चूहा को खा जाएगा, उल्लू टिड्डा को भी खा जाएगा, गौरैया को खाएगा, बाज सब उल्लू को भी खा जाएगा, लोमड़ी को भी, सॉरी लोमड़ी और शेर, ये सब क्या है, जो टॉप है, लोमड़ी शेर बाज ये सब क्या है, ये एक ही चीज़ किसको, गौरैया को खा सकते हैं या गिलहरी को खा जाएंगे, कौन, तो लोमड़ी बाज शेर। तो यही बात होगी कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, एक ही जीव को खाने वाले इसमें अनेक हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड्स, ये महत्वपूर्ण है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड्स कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड्स की संकल्पना 1927 में कौन, तो जॉर्ज चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रस्तावित किया, कौन, तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, चार्ल्स एल्टन। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग संख्या पिरामिड, इसमें उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है। इस पिरामिड में अनेक क्षैतिज शलाकाएं होती हैं, प्रत्येक शलाका खंड की लंबाई परितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या दर्शाती है। प्रत्येक चरण पर ऊपर को जाते हुए जीवों की संख्या में भारी गिरावट आती है तथा अलेखीय निरूपण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक पिरामिड का रूप ले लेती है, कुल मिलाकर इस तरह का बन जाएगा, जिसे संख्याओं का पिरामिड कहते हैं। घास स्थलीय तथा फसल स्थलीय एवं तालाब पारिस्थितिकी तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होगी, सबसे अधिक, जिसको सीधे पिरामिड के आधार पर दिखाया जाएगा, जबकि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जीव जंतुओं की संख्या क्रमशः घटती जाती है। वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक की संख्या क्रमशः घटती जाती है, इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक की संख्या एक है, जो वृक्ष है, इसको उल्टे पिरामिड के आधार पर दिखाया जाता है, जबकि इनके उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है, इन्हें ऊपर चौड़े भाग की ओर दिखाया जाएगा। वृक्ष परितंत्र वस्तुतः परजीवी परितंत्र का उदाहरण है तथा परजीवी परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड हमेशा, परजीवी परितंत्र में क्या होगा, जीव परितंत्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पर एक वृक्ष है, वृक्ष पर बहुत सारे चिड़िया रहते हैं, इस चिड़ियों को खाने वाले भी बहुत सारे हैं, तो यह उल्टा पिरामिड बनेगा। अब बायोमास पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के भार के संबंध में बोध होता है, क्लियर है, इसमें हमको क्या मिलेगा, तो बायोमास में भार, वेट की बात हो रही है, उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। थल पर पाए जाने वाले अधिकतम परितंत्रों के लिए जैसे घास, वन आदि पारिस्थितिकी तंत्रों में जीव भार के पिरामिड में एक बड़ा आधार होगा, यानी नीचे चौड़ा होगा, प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघुत्तर पोषण स्तर होगा, यानी यहाँ पर शेर बैठेगा, तो क्या हो गया है, सिंपल पिरामिड, सीधा पिरामिड। लेकिन इसी प्रकार जीव भार का पिरामिड सीधा बनता है, इसके विपरीत अनेक जल परितंत्रों जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा, कैसे, ऊपर बड़ी मछली है या व्हेल है, कितना भारी है, और नीचे छोटे छोटे प्लैंकटन सबसे बॉटम में है, यह उल्टा बनता है। देखिए यह एक तालाब के परितंत्र के बायोमास का पिरामिड, नीचे फाइटोप्लैंकटन सबसे छोटे, उससे बड़े शाकाहारी मछलियाँ और ये मांसाहारी मछलियाँ सबसे ऊपर। और ऊर्जा पिरामिड, तो जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, लाई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण को बताता है, उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। प्रायः यह ऊर्जा एक इकाई भाग में निश्चित समय में देखी जाती है, यह ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने में ऊर्जा सदैव ह्रास होता है, यानी घटता है। प्राथमिक उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं,
प्राथमिक उत्पादक क्या करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में होती है। इसके अंतर्गत हरे पौधे मात्र 10% ऊर्जा ही अपने में संचित कर पाते हैं, शेष 90% ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में होता है। यह ही 10% ऊर्जा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होती है। प्रत्येक पोषण तल पर यह ऊर्जा घटती जाती है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर को देते हैं। और सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या समय के साथ बढ़ती जाती है, अतः एक निश्चित समय के बाद इनके द्वारा संचित एवं ली गई ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसी कारण प्राथमिक उत्पादकों को सीधे पिरामिड में चौड़े आकार की ओर दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पिक्चर देख लीजिए, ऊर्जा का पिरामिड सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सदैव सीधा बनता है, ऐसा ना है कि यह घास में सीधा बन गया और जल में उल्टा हुआ, नहीं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में चक्र ये महत्वपूर्ण है, साइकिल इन इको सिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों एवं गैसों का चक्र निम्नलिखित है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल गैस का चक्र, पदार्थों का भी होता है। जैसे जैव भू रासायनिक चक्र, यानी यह अजैविक यानी अबायोटिक तत्वों का जैविक परावस्था यानी बायोटिक फेज में परिवर्तन तथा पुनः उन जैविकों के अजैविक परावस्था में पुनरावृत्ति का प्ररूप है। यानी एक बार शुरू हुआ, फिर बना और फिर वो विघटित हुआ और फिर पुराने जगह पर आ गया, यानी यह एक साइकिल चक्र के रूप में बन जाता है। जैसे सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र अपने अंतर्गत पोषक रसायनों को जैविक अवयवों में संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखते हैं, किंतु प्राणी या पादप के विनाश के पश्चात उनके विनियोजित यानी अपघटन होने अथवा सड़ने पर पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार रासायनिक तत्वों का निर्माण होता है। निर्माण, उपयोग, विघटन, वियोजन तथा मुक्त होना एक चक्रीय क्रम में चलता रहता है। नाइट्रोजन चक्र, अब एक चक्र है, नाइट्रोजन जंतुओं तथा पौधों के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है। कौन? तो नाइट्रोजन। इसका उपयोग प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्लों, नाइट्रोजन इछारो यानी बेस, प्रकाश संश्लेषी वर्णको, फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स, विटामिन आदि के निर्माण में होता है। इसका तो नाइट्रोजन चक्र। आगे देखिए, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन 78% है, किंतु पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, क्योंकि गैस के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण पौधे नहीं कर पाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली अधिकतर नाइट्रोजन वातावरण से ही आती है। सामान्यतः पौधे मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों का अवशोषण कर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया द्वारा मृदा में प्रवेश करती है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के पश्चात इसका खनिजीकरण तथा नाइट्रीकरण यानी नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना होता है। इसके बाद वह पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है। नए पौधे नाइट्रोजन को विभिन्न यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि, तथा यह अनेक पोषी स्तरों द्वारा ग्रहण की जाती है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद इसमें उपस्थित नाइट्रोजन यानी अमोनिया के रूप में को अपघटक अमोनिया यानी NH3 से अमोनियम लवण में परिवर्तित करते हैं। मतलब क्या, देखिए, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद इसमें उपस्थित नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में बदल जाएगा और ये अमोनिया को अब का अपघटन कैसे होगा, तो अमोनिया से अमोनियम लवण में परिवर्तित हो जाएगा और यह प्रक्रिया खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन कहलाती है। नाइट्रोजन चक्र के मुख्यतः के निम्नलिखित चरण हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन कहाँ है, मान लेते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में है, एक तरह से नहीं कई तरह से इसका चक्र, जैसे त्वरित वर्षा होगी यानी जब बिजली चमकेगा तब नाइट्रोजन ऑटोमेटिक ये धरती में इंटर करेगा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा, क्लियर। और इसे स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ पौधे प्रोटीन संश्लेषण में इसका इस्तेमाल करेंगे और इन पौधों को खाएगा कौन, तो पशु खाएगा या पशु पक्षी जो, और ये जीव द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फिर जब ये मर जाएंगे तो इनका अपघटन कौन करेगा, तो मृत प्राणी करेगा और कार्बनिक अम्ल में के रूप में सामने आएगा और फिर यह विनाइट्रीकरण जीवाणुओं के द्वारा होकर और पुनः नाइट्रोजन वायुमंडल में चला जाएगा। दूसरा, फिर जब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया तब इसको यहीं से भी विनाइट्रीकरण हो सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी इसका डिकम्पोज हो जाएगा तो ये भी यह वायुमंडल में चला जाएगा। और प्राणियों के अपशिष्ट यानी
यूरिया यूरिक अमोनिया युक्त होते हैं, यानी उनके मूत्र यहाँ से भी नाइट्रोजन वायुमंडल में डायरेक्ट चला जाता है, तो यह नाइट्रोजन चक्र है। अब आगे देखेंगे हम लोग दूसरा कार्बन चक्र। यद्यपि वायुमंडल में कार्बन बहुत कम है, 0.032, ये तो उससे ज़्यादा हो गया अभी, फिर भी इसे जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि यह अधिकांश कार्बनिक पदार्थों यानी जीवाश्म ईंधन से लेकर जटिल अणुओं जैसे डीएनए तक में पाया जाता है। कार्बन वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। प्राथमिक उत्पादक यानी पौधे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही ग्रहण करते हैं, यहीं से कार्बन का चक्र आरंभ हो जाता है। फिर उपभोक्ताओं से गुजरता हुआ अपघटक यानी डिकम्पोजर तक यह पहुंचता है। मूलतः प्राथमिक उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकरण करते हैं, जो कि बाद में जटिल पॉलीसेक्राइड, लिपिड, वसा, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? यह कार्बन प्राथमिक उत्पादकों की कोशिकाओं में संचित हो जाती है और जिसका कुछ भाग पौधों के शोषण उपापचयी क्रियाओं द्वारा तोड़ दिया जाता है और कुछ पर कार्बन पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त कर दिया जाता है। फिर भी कार्बन का एक बहुत बड़ा अंश पौधे के जीवभार में अनुपयोगी रूप में तब तक रहता है जब तक पौधे की मृत्यु न हो जाए या यह शाकाहारियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण न कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। पौधों से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का कुछ भाग शाकाहारियों द्वारा उत्सर्जन यानी मलमूत्र के माध्यम से त्याग दिया जाता है तथा पचा हुआ भोजन शाकाहारियों के शरीर में पुनर्विन्यासित होता है। वे कोशिकीय शोषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करते हैं। इसी प्रकार जब मांसाहारी शाकाहारी के मांस को खाते हैं तब इसमें भी पुनः पाचन तथा पुनः निर्माण की प्रक्रिया होती है। तत्पश्चात पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इनका अपघटन कर दिया जाता है और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यानी वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। यदि कोशिकीय शोषण, अपघटन व जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को पुनः प्राप्त न हो तो केवल एक वर्ष के अंदर ही संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। अब ये देखिए, यह कार्बन चक्र है, यहाँ पर वायुमंडल में CO2 है। अब इसका उपयोग कौन करेगा? ये पौधा ही एकमात्र उपयोग करने वाला है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यह एब्जॉर्ब करेगा। इस पौधे को, हरे पौधे में कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट से जुड़ लिया जाएगा। तो अब इसको कौन कौन खाएगा? देखिए, इसको जीव जंतु खाएंगे। अब जीव जंतु खाएंगे तो और जीव जंतु और खा लिए एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पर, ये भी अब मर जाएगा या इनका अपघटन होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोजर के माध्यम से प्रकृति में वापस चला जाएगा। चाहे प्राणी और शोषण करता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कंपनी, कारखाने, ज्वालामुखी ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और मृत प्राणियों द्वारा अपघटन होने पर यानी बैक्टीरिया फफूंदी द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चला जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को केवल और केवल पादप यानी प्लांट ही अवशोषित करते हैं, बाकी कोई ना करता है। अब आगे देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन चक्र। जीवन के लिए श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अनिवार्य होती है। जीवों द्वारा जीव कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन चक्र में मात्र वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है। विभिन्न खनिजों आदि के रूप में उपस्थित ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं की जाती है। पौधे ऑक्सीजन चक्र को आरंभ करते हैं क्योंकि पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। अर्थात पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो H2O पानी, सूर्य विकिरण के समय क्या होगा तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा, फिर O2 यानी ऑक्सीजन और CH2O, मतलब ये क्या हो गया तो यह खाद्य पदार्थ के रूप में एब्जॉर्ब होता है। यही जो आगे जाकर क्या होगा CH2O, तो यही आगे जाने पर ग्लूकोज के रूप में यानी यह पौधे में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। देखिए, जंतु ऑक्सीजन चक्र के दूसरे पक्ष का निर्माण करते हैं क्योंकि श्वसन की क्रिया में जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जंतु इस ऑक्सीजन का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन जो कार्बोहाइड्रेट तो क्या मुक्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी।
और यह अतः उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि जंतु श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में उत्सर्जित करते हैं, किंतु ऑक्सीजन चक्र वास्तविक रूप में इतना सरल नहीं है बल्कि यह बहुत जटिल है। इसको इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, पौधे भी रात्रि में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि पौधे जितनी ऑक्सीजन रात्रि में प्रयोग करते हैं उसका लगभग 10 गुना दिन में उत्सर्जित कर देते हैं, यही कारण है कि यह सरप्लस हो रहता है। अब आगे देखेंगे हम लोग मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध और प्रभाव। जैसे आदिकाल में आदिमानव यानी प्रीमेट मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका दो प्रकार, एक दाता और प्राप्तकर्ता की होती थी, अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी देता था, किंतु मानव ने जैसे जैसे विकास किया वैसे वैसे मानव पर्यावरण के बीच संबंधों में परिवर्तन आता गया। वर्तमान में मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण से दो प्रकार का संबंध है, अर्थात मनुष्य एक ओर तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण घटक है तो दूसरी ओर वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है, क्योंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में मानसिक स्तर पर सर्वाधिक विकसित माना जाता है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, समर्थ कहाँ है, ना है, रहता तो यही हाल होती है। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं, जैसे तीन अवधारणाएं महत्वपूर्ण, पहला निश्चयवादी अवधारणा, इसमें क्या है, निश्चयवादी अवधारणा माने कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिज्म में मानव को पर्यावरण का अंग माना गया है। इसको इसके समर्थक कौन थे, तो हम्बोल्ट, रेटजेल और रीटर थे, लोग निश्चयवादी यानी डिटरमिज्म के समर्थक थे। इन्होंने मानव जीवन को पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर माना है। इस अवधारणा में प्रकृति को सौर शक्तिमान तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा गया, किसमें, तो निश्चयवादी सिद्धांत में। अवधारणा में संभववादी मतलब पॉसिबिलिज्म, यानी संभववादी अवधारणा में मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व माना गया। इसमें बताया गया है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा उसमें सभी प्रकार के परिवर्तन वह कर सकता है। इसके समर्थक में विराल्डी, लाप्लास, जीन ब्रिंस आदि उल्लेखनीय है। और तीसरा था नियतवादी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटरिज्म मतलब नियतवादी अवधारणा, सॉरी नौ नियतिवादी, जैसे उपरोक्त दोनों ही अतिवादी हैं, एक में मानव कुछ नहीं है, एक में मानव सब कुछ है, इसमें दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। इस अवधारणा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं, क्या ना, ग्रिफिथ टेलर। इसमें बताया गया है कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है न ही मानव सर्वोपरि है, बीच का रास्ता निकाल दिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद उसकी विकास नीतियों का निर्धारण करें। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध इसी अवधारणा से है। क्या नाम है इसको, नॉन नियतिवादी, कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटरिज्म। और मानव पर पर्यावरण का प्रभाव, विश्व की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। पर्यावरण के भौतिक तत्वों में सबसे अधिक प्रभाव जलवायु का मानव समाज और उसकी जीवन शैली पर पड़ता है। इसके अंतर्गत मध्य एशियाई क्षेत्रों तथा अफ्रीका एवं अन्य विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में वहाँ का पर्यावरण वहाँ के निवास करने वाले लोगों के जीवन को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। जैसे देखिए यहाँ पर मध्य एशियाई क्षेत्रों के लोग पशुचारण के द्वारा तथा कालाहारी तथा कांगो बेसिन के लोग शिकार तथा पारिश्रमिक कृषि एवं ध्रुवीय क्षेत्रीय के लोग ध्रुवीय यानी पोलर लोग क्या करेंगे, तो बर्फ के घरों में रहने के साथ ही उन क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से प्रजातियों के रंग रूप, आँख, नाक, शरीर की बनावट, बाल, ठोड़ी, कपाल तथा चेहरे की आकृति पर भी पड़ता है। पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव और एक होगा अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत सुनियोजित तथा संकल्पित प्रकार के प्रभाव सम्मिलित होते हैं, क्योंकि मनुष्य किए जाने वाले कार्यों के परिणामों से अवगत रहता है। उदाहरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, नाभिकीय कार्यक्रम, मौसम रूपांतरण कार्यक्रम, निर्माण तथा उत्खनन आदि। प्रत्यक्ष प्रभाव अल्पकाल में परिलक्षित हो जाते हैं जबकि दीर्घकाल तक पर्यावरण को प्रभावित करते रहते हैं। और अप्रत्यक्ष में इसके अंतर्गत वे प्रभाव आते हैं जो पहले से सोचे अथवा नियोजित नहीं है, प्लान न है। उदाहरण के लिए औद्योगिक विकास हेतु किए जाने वाले कार्यों के प्रभाव, ये शीघ्र परिलक्षित नहीं होते हैं। इनमें से अधिकांश प्रदूषण तथा पर्यावरण अनयन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से संबंधित होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में से ऐसे परिवर्तन लाते हैं जो मानव के लिए घातक होते हैं।
पर्यावरणीय नैतिकता, नैतिकता मतलब मानव से संबंधित है, मानव क्या करना चाहिए, एथिक्स। पर्यावरणीय नैतिकता का तात्पर्य मनुष्य के जीवन तथा कल्याण के लिए आधारभूत मुद्दों से है, जिसका संबंध है न केवल वर्तमान पीढ़ी से है बल्कि आने वाली पीढ़ी के अतिरिक्त पृथ्वी पर रहने वाली अन्य प्राणियों एवं वनस्पतियों से भी है। इसका संबंध इससे भी है कि संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय मुद्दे हैं। संसाधनों का समतामूलक वितरण नगरीय, ग्रामीण तथा संसाधन विहीन समुदाय के निर्वहनीय विकास का आधार है। वर्ष 1985 के स्टेट्स ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार अमीर लोग पर्यावरण का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जबकि इसकी हानि गरीब, वंचित वर्ग, विशेषकर आदिवासी एवं महिलाएं भुगत रही हैं। इसका मुख्य कारण है क्या है कि ये लोग अपने आजीविका के लिए पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। जब गरीब एवं वंचित ग्रामीण समुदाय जीवन यापन के लिए जंगलों से लकड़ी एकत्रित करते हैं तो कहा जाता है वनों का विनाश किया जा रहा है, लेकिन जब अमीर वर्ग भारी मात्रा में इमारती लकड़ी का प्रयोग करता है तो उसके विषय में कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि वह विकास का काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग पर्यावरण के बारे में यानी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद में पर्यावरण के अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं। तब तक आशा है कि अच्छा लगे, जरूर देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।